गुड मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 4 संज्ञा जो हम पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, कितना संज्ञा को कितने भाग में विभक्त किया गया है? 3 भाग में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, रश्मि गीत गा रही है, यहाँ पर गंगा विशेष नदी का नाम है और हिमालय विशेष पर्वत का नाम है तथा रश्मि विशेष लड़की का नाम है। कुछ उदाहरण, चंद्रमा, सूर्य, श्री राम, रावण, भारत, चीन, सोमवार, जनवरी आदि। जातिवाचक संज्ञा, देखो जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या अथवा स्थान की पूरी जाति बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरा जाति जो बता देता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पक्षी उड़ रही है, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, यहाँ पर पक्षी, बच्चे और बगीचे शब्द किसी विशेष प्राणी या स्थान के बोध न कराकर उनकी पूर्ण जाति का बोध कर रहे हैं। जैसे बच्ची, बूढ़ा, पहाड़, छात्र, पक्षी, वृक्ष, हिरण, तोता, जंगल आदि। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि के बारे में बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखो क्या बताता है भाववाचक संज्ञा? गुण है क्या, क्या फिर दोष है क्या, फिर दशा कैसी है या स्वभाव, उनके बारे में जो बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन में सभी शरारत होती है, मोटापा बीमारी का जड़ है, यहाँ पर क्या 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 है भाववाचक संज्ञा? बचपन और मोटापा। जैसे कुछ उदाहरण, बुढ़ापा, जवानी, सुंदरता, वीरता, ईमानदारी, नेकी आदि। भाववाचक संज्ञाएँ बनाना, जातिवाचक सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण व क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। किन किन से बनाए जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा से और विशेषण, सर्वनाम, इन सब से बनाए जाते हैं। देखो जातिवाचक संज्ञा से क्या क्या, वीर का वीरता, पशु का पशुत्व, कारीगर का कारीगरी, पंडित का पंडिताई, मित्र का मित्रता, बच्चा का बचपन, बूढ़ा का बुढ़ापा, मनुष्य का मनुष्यता, शिशु का शैशव, मित्र का मित्रता। फिर विशेषण से, ऐसे भूखा का भूख, चालाक का चालाकी, सुंदर का सुंदरता, गरीब का गरीबी, आलसी का आलस्य, गंदा का गंदगी, अच्छा का अच्छाई, बुरा का बुराई, नेक का नेकी, खट्टा का खटास। जैसे सर्वनाम से, ममस्त्व, अपना का अपनापन, उड़ना का उड़ान, नीच का निजता या निजस्व, आपका आपा, स्व का सत्व। और क्रिया से, दौड़ना का दौड़, घबराना का घबरावट, जीतना का जीत, लिखना का लिखावट, हंसना का हंसी।